हे फ्रेंड्स, मैं कुमार हेल्प फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, वो बेस्ट फॉर्मूले कौन से जो आपको हर जगह यूज होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आपके ही बेनिफिट वाली वीडियो देता रहूँगा जो कि कंप्यूटर से जुड़ी होंगी, इंटरनेट से जुड़ी होंगी और मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, तो सारी हर तरह की वीडियो आपको पहुंचाता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने कीबोर्ड से विंडो की और आर दबा दीजिए, आपको रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड ओपन होने पर इसमें आपको टाइप करना है EXCEL, और उसको एंटर कर दीजिए। ओके पे क्लिक कर सकते हैं, एंटर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने इस समय एक्सेल खुल चुका है। एक्सेल के अंदर आपको मैं आपको बताने जाऊंगा किस तरह से कर सकते हैं काम। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इसके अंदर सम का, हम किस तरह से संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, SUM, सम। इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जांपल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जस्ट सपोज कुछ स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, सभी कैंडिडेट को 100 के अंदर से नंबर दे देते हैं, 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। उनका टोटल हमें किस तरह से करना है, टोटल के लिए सबसे पहले अपना इक्वल टू का साइन लगाइए, सम फॉर्मूला लिखिए, ब्रैकेट ओपन। मुझे कहाँ से कहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करनी है वो इसका डिटेल दे देते हैं। जी में G5 से लेकर के कोलन लगा दीजिए रेंज सेलेक्ट करने के लिए। J5 तक का डेटा मुझे इसके अंदर इसका टोटल अरेंजमेंट चाहिए, कितना इसका टोटल आएगा। एक बार हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको यहाँ से पकड़ के हम नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने टोटल निकाल दिया, अब टोटल के बाद में इनका अगर मैं चाहूँ तो परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए जो मैथ में फॉर्मूले लगाते हैं कुछ इसी तरह से हम इस पर वर्क करेंगे। नंबर ऑफ टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, कितने मिस मार्क्स हैं, वो चीज़ को देखते हुए हम इस पर काम करेंगे। तो फॉर्मूले लिखते हैं इक्वल टू, हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हमारे K5 के अंदर हमारे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, हमारे डिवाइडेड बाय कितने आपके मार्क्स आए 400 में से, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज आपके ईच सब्जेक्ट के परसेंट ईच स्टूडेंट के परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे हम एज इट इज हमने टोटल में किया था
ऐसे हम इसके साथ में परसेंटेज में कर सकते हैं। हमने देखा कि टोटल हम किस तरह से करते हैं, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। हम चाहते हैं हम उसको ग्रेड सिस्टम दे, अगर किसी के मार्क्स 80 से अबव हैं तो उसको ए, किसी के 60 से कम है तो उसको बी। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन अकॉर्डिंग हम उसको एक फॉर्मूला लगा कर काम करते हैं। हम उसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ इस तरह कुछ ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बार बार यूज में आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर 65 से आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें आपका ए ग्रेड आए, और 65 से अगर आपके मार्क्स कम है तो बी ग्रेड आए। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू को साइन लगाना है। आपका टोटल परसेंटेज इतनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ग्रेडिंग का सिस्टम डिफाइन करेंगे। इफ एल 5 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 65 से, तो वैल्यू ट्रू में वो आएगी जो हम वैल्यू चाहते हैं। और वैल्यू फॉल्स में वो वैल्यू आएगी जो हम उसके अगेंस्ट में चाहते हैं, कि अगर 65 से अबव है तो ए आए और 65 से कम है तो बी आए। इसको यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जिसमें आपकी वैल्यू 65 से अबव है उसकी ग्रेड ए आ रही है, जिसकी 65 से कम है उसकी बी आ रही है। चाहो तो आप इसमें चेंज करके देख सकते हो। इसकी ऑटोमेटिकली इसकी ग्रेड चेंज हो जाएगी। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस। इसके आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो क्यों कमेंट करें, और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें।